बेटे हमें जो काम करना है आज 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में, वो एक तो काम करना है कि हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी क्या है, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के बाद इम्पैक्ट क्या है बायोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर। ये दो टॉपिक हैं, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी और इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजी ऑन ह्यूमन वेलफेयर, ये दो टॉपिक करने हैं हमें आज चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज जो है बेटे वो हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी है, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें बायोलॉजी की, कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने बायोलॉजी में काम किया है, या उनकी वजह से बहुत सारी चीजें डिस्कवर हुई हैं जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसमें सबसे पहले जिनका नाम हमारे पास आता है वो एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल, ASTOTLE, एरिस्टोटल, 322 से लेकर 384 BC तक, ये इनका टाइम फ्रेम है जब ये थे। ये ग्रीक पीरियड था, मतलब ग्रीक लोगों का वक्त था। उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। एरिस्टोटल ने किताब लिखी, इसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। इस किताब में उन्होंने हिस्ट्री बताई थी एनिमल्स की। उसके बाद एक और साइंटिस्ट ने, कार्लियस लीनियस, कार्लियस लीनियस, ये जो कार्लियस लीनियस साहब थे, इन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दी थी ऑर्गेनिजम्स की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दी थी ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, उनके नाम कैसे दिए जाते हैं, नेमिंग का प्रोसेस, नेमिंग का प्रोसेस भी इन्होंने ही दिया था कि ऑर्गेनिजम्स को नाम कैसे दें। जैसे इंसानों का नाम जो है बायोलॉजी में वो क्या है, होमो सेपियंस। तो ये जो नाम है इंसानों का होमो सेपियंस, ये बायोलॉजिकल नाम है, तमाम इंसानों को होमो सेपियंस कहते हैं। फ्रॉग को क्या कहते हैं, राना टिग्रीना, तमाम फ्रॉग्स को राना टिग्रीना कहते हैं। तो ये जो नाम दिए ये इन्होंने दिए सबसे पहले, कार्लियस लीनियस साहब ने। फिर एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेस्टस। फ्रेस्टस, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि सेक्स होता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन प्लांट एंड एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर और पौधों के अंदर जेंडर होता है, मतलब एनिमल में भी मेल और फीमेल होते हैं और प्लांट्स के अंदर भी मेल और फीमेल प्लांट्स होते हैं। तो जो जेंडर की बात बताई वो फ्रेस्टस ने बताई, और उनको फाउंडर समझा जाता है बॉटनी का। फेस्टस को फाउंडर समझा जाता है बॉटनी का। इसके अलावा 8th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक, 8वीं सदी से लेके 15वीं सदी तक मुस्लिम पीरियड गुजरा है, मतलब मुसलमान साइंटिस्टों ने डोमिनेट किया है साइंटिफिक वर्ल्ड को, और इन्होंने मुख्तलिफ डिस्कवरीज दी हैं, मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं। इसमें सबसे पहले जो नाम है वो है जाबिर बिन, मुस्लिम साइंटिस्ट का, जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान, जाबिर बिन हयान साहब जो हैं, इन्होंने 722 से लेके 817 तक इनका टाइम था, ये जिंदा थे जब तक, 712 से लेके 722 से लेके 817 तक ये जिंदा थे। इन्होंने किताब लिखी थी, उसका नाम था अल नबातात, किताब लिखी थी एक, इसका नाम था अल नबातात, किताब का नाम था बेटे अल नबातात। और एक और किताब लिखी थी, उसका नाम था अल हैवान, ये प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर किताब थी, अल नबातात और अल हैवान, जो किसने लिखी थी, जाबिर बिन हयान ने।
आपसे एमसीक्यूज पूछते हैं, एग्जामिनर एमसीक्यू पूछता है कि भाई जाबिर बिन नहयान ने कौन सी किताब लिखी, किसके ऊपर थी, तो इसने किताब लिखी अल नबातात और अल हैवान, जो एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर थी। दूसरे मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उनका नाम है अब्दुल मालिक असमाई, अब्दुल मालिक असमाई, अब्दुल मालिक असमाई जो थे 741 एडी में थे, इन्होंने किताब लिखी, एक किताब का नाम था अल खैली, एक का नाम था अल इबल और एक का नाम था अल वहूश अशा खलकुल इंसान। ये पांच किताबें हैं, अल खेल, अल इबल, अल वहूश, अशा और खलकुल इंसान। इन किताबों में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन करते हैं बॉडी के पार्ट्स, हॉर्सेस के, कैमल्स के, शीप्स के, वाइल्ड एनिमल्स के, इंसानों के मुख्तलिफ पार्ट्स का काम क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या है। और खलकुल इंसान बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी वेस्ट में भी। इसमें इन्होंने ये बताया था कि इंसान कैसे डिवेलप हुए हैं। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है, मुस्लिम साइंटिस्ट जो है नेक्स्ट, उनका नाम था अली बिन रबान तबरी, अली बिन रबान तबरी, 775 से लेकर, अली बिन रबान तबरी जो है 775 से लेकर 870 एडी तक थे। इन्होंने किताब लिखी एक, उसका नाम था फिरदौसुल हिक्मा, किताब का नाम था फिरदौसुल हिक्मा। अली बिन रबान तबरी साहब ने किताब लिखी फिरदौसुल हिक्मा, इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया फिलॉसफी को, जोलॉजी को, साइकोलॉजी को और एस्ट्रोनॉमी को। एस्ट्रोनॉमी किसकी पढ़ाई होती है? सितारों की। साइकोलॉजी किसकी पढ़ाई होती है? साइकोलॉजिकल अफेयर्स की। साइकोलॉजी मतलब ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, किस चीज का इम्पेक्ट बॉडी पे क्या आता है, और जोलॉजी मतलब एनिमल्स की पढ़ाई। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं अबू उस्मान, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं अबू उस्मान। अबू उस्मान साहब का जो टाइम है ये तो गिवन नहीं है। इन्होंने किताब लिखी अल हैवान, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया 350 स्पीशीज के बारे में। अबू उस्मान ने एक किताब लिखी अल हैवान, जिसमें उन्होंने 350 जानदारों के बारे में बताया और स्पेशली बताया कि आंट्स, चूटियां कैसे जिंदा रहती हैं। बेटे ये बताया इन्होंने, ये जो साहब थे अबू उस्मान, इन्होंने मैंने कहा किताब लिखी अल हैवान, और अल हैवान में इन्होंने 350 स्पीशीज के बारे में बताया, जानदारों के बारे में बताया, और स्पेशली बताया कि आंट्स कैसे जिंदा रहती हैं, उनकी कॉलोनी कैसे बनती है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं मुस्लिम साइंटिस्ट अल फराबी, अल फराबी, अल फराबी का जो टाइम है वो 870 से लेके 950 एडी तक है। और अल फराबी साहब ने एक और साइंटिस्ट थे उनके साथ मिलकर, उनका नाम था अबुल कासिम, अबुल कासिम साहब के साथ मिलके अल फराबी ने, अल फराबी का टाइम था 870 से 950 एडी तक, और अबुल कासिम का टाइम था 936 से 1004 एडी तक। इन दोनों ने मिलकर किताबें लिखी हिकमत के ऊपर, दवाओं के ऊपर, और कैसे सर्जरी की जाती है, किसी चीज को काटा कैसे जाता है, सर्जरी कैसी की जाती है, इसके ऊपर किताबें लिखी। किताबों का जो नाम था वो नाम था किताब नबातात और किताबुल हवानात। किताब नबातात तो बेटे पौधों के बारे में है, और किताबुल हैवानात जो है वो एनिमल्स के बारे में है। और इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहां पे यूरिन जमा होती है, उसमें अगर स्टोन बन जाए, पत्थरी बन जाए, तो उसको कैसे निकाला जाता है, ये बताया था इन्होंने, अबुल कासिम साहब ने, अबुल कासिम अल जहरवी नाम था इसका पूरा, अबुल कासिम अल जहरवी साहब ने ये बताया था कि कैसे अगर यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पे यूरिन जमा होती है,
वहां अगर स्टोन फॉर्मेशन हो जाए तो स्टोन को कैसे निकाला जाता है, इन्होंने बताया था। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त तो मालूम ही नहीं था, सर्जरी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है, मुस्लिम साइंटिस्ट, इनका नाम है इब्न अल हैतम साहब का जो टाइम है वो 965 से लेके 1039 एडी तक का है। इन्होंने किताब लिखी किताबुल मनाजिर, किताब का नाम है, इब्न अल हैतम ने जो लिखी किताबुल मनाजिर और मिजानुल हिकमा, इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया विजन को, देखने की सलाहियत को एक्सप्लेन किया कि कैसे आंख काम करती है और अगर कोई खराबी हो जाए आंख में तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो विजन का जो कॉन्सेप्शन है, मतलब आंख के देखने की सलाहियत जो है, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, इब्न अल हैतम साहब ने अपनी दो किताबों में, मिजानुल हिकमा और किताबुल मनाजिर में। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है जो बहुत रेनोन है, बू अली सीना जो है 980 एडी में थे, 980 एडी में इन्होंने किताब लिखी, दो किताबें हैं जो बहुत मशहूर हुई इनकी, एक का नाम है अल कानून और एक का नाम है फिल तिब अल शिफा। एक का नाम है अल कानून और एक का नाम है फिल तिब अल शिफा। ये दो किताबें हैं जो इन्होंने लिखी। इन दोनों किताबों में उन्होंने प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया और इनको ये समझा जाता है ये फाउंडर हैं किसके, मेडिसिंस के, दवाओं के बनाने के, और ये ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट थे अपने टाइम के ईस्ट और वेस्ट में, वेस्ट में भी मतलब यूरोप में भी और एशिया में भी, मेडिसिंस के। लोग इनसे अपना इलाज कराने आते थे, दवाओं के बारे में पूछने आते थे इनसे, बू अली सीना से। तो ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन है बू अली सीना। इसके बाद नेक्स्ट है मुस्लिम साइंटिस्ट, इनका नाम है जियाउद्दीन इब्न बेतर, जियाउद्दीन इब्न बेतर। ये 13 सेंचुरी में थे और इन्होंने बहुत दुनिया में ट्रेवल किया, मुख्तलिफ कंट्रीज में गए जियाउद्दीन साहब। इन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया, पढ़ा, पौधों के पढ़ने वाले थे ये, पौधों के बारे में बताया इन्होंने। इनकी किताब का नाम हमारे पास गिवन नहीं है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं इब्न अल नफीस साहब जो थे, ये भी 13 सेंचुरी में थे और इन्होंने सबसे पहले बताया था कि कैसे ब्लड सर्क्यूलेट करता है ह्यूमन बॉडी में, खून कैसे मूव करता है ह्यूमन बॉडी में। ये बताया था इब्न अल नफीस साहब ने कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है ह्यूमन बॉडी में, मतलब ब्लड कहां से कहां कौन लेकर जाता है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी अपने वक्त के हिसाब से, इससे पहले मालूम ही नहीं था। फिर नेक्स्ट है कमाल उद्दीन अल दमीरी, कमाल उद्दीन अल दमीरी साहब 14 सेंचुरी में इन्होंने कंपाइल करी एक किताब। कंपाइल का मतलब है कि अलग अलग जगहों से जो उसका रिकॉर्ड था वो जमा किया। किताब का नाम था हयात अल हैवान, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए थे हजार तरह के जानदारों के बारे में, हजार तरह के एनिमल्स के बारे में। कमालुद्दीन साहब ने किताब लिखी, उसका नाम था हयात अल हैवान, जिसमें उन्होंने हजार एनिमल्स के बारे में बताया था कि हजार एनिमल्स कैसे होते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। फिर एक और साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है अली इब्न ईसा, अली इब्न ईसा। ये दुनिया में बहुत मशहूर हुए थे क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस के बारे में, बीमारियों के, किन बीमारियों के जो आंखों में हो जाती हैं, उनके बारे में बताया। और इन्होंने जो किताब लिखी उसकी 3 जिल्दें थी, मतलब 3 वर्जन थे उस किताब के। और इस किताब में 130 से ज्यादा तरह की आंखों की बीमारियों के बारे में बताया था। अली इब्न ईसा साहब ने 130 तरह की बीमारियां जो आंखों की हो जाती हैं उनके बारे में बताया था
अली इब्न ईसा साहब ने, सही है, इन्होंने किताब लिखी थी ये हयातुल हैवान, जिसमें उन्होंने इस सारी चीज के बारे में बताया था, जिसके 3 वॉल्यूम्स दुनिया में अवेलेबल हैं, अभी भी अवेलेबल हैं। अगर आप जाके देखें तो बहुत बड़े बड़े जो म्यूजियम्स हैं या लाइब्रेरी हैं वहां पे आपको मिल जाएंगे। इसके 3 वॉल्यूम अवेलेबल हैं, जिसमें उन्होंने 130 तरह की उन डिजीज के बारे में बताया जो इंसानों को हो जाती हैं, उनकी आंखों में हो जाती हैं। फिर एक और साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है अबुल कासिम मजरीती, अबुल कासिम मजरीती साहब। ये यूरोप में बहुत रेनोन थे क्योंकि इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया था कि एनिमल्स को कहने के लिए एनिमल्स क्या चीज होनी चाहिए उनमें। ये तो वो सारे देखो साइंटिस्ट हैं जिनके नाम मैंने लिए, ये सारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे, लेकिन नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट भी तो हुए, ऐसे गुजरे होंगे जिन्होंने मुख्तलिफ कारनामे किए हैं और उनके बारे में भी मालूम है। वो कौन कौन है जो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं? नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट में सबसे पहले हैं विलियम हार्वे साहब जो हैं, इन्होंने भी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया था कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है एनिमल की बॉडी में। विलियम हार्वे साहब ने सबसे पहले ये बताया था कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है ह्यूमन बॉडी में। फिर एक और साइंटिस्ट है नॉन मुस्लिम, इनका नाम है गैलीलियो। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? इन्होंने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था, और माइक्रोस्कोप के जरिए हमें मालूम है हम उन जानदारों को देख सकते हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं। उन जानदारों को देखने के लिए वी नीड अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया? गैलीलियो ने इन्वेंट किया माइक्रोस्कोप को। विलियम हार्वे ने क्या बताया? ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है। फिर एक और साइंटिस्ट, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? बट इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। सेल वो चीज होती है ना जिसकी बेस पे हम किसी जानदार को, किसी चीज को लिविंग थिंग कहते हैं। तो सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन एक और साइंटिस्ट ने, इन्होंने किसको डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को। सेल के अंदर एक बेसिक चीज होती है जो सारा काम कराती है सेल का, उसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। फिर एक साइंटिस्ट है लीनियस, जिसकी बात मैं शुरू में कर चुका हूँ। लीनियस साहब ने नाम देने का तरीका याद किया कि कैसे जानदारों को नाम दिया जाए। फिर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एडवर्ड जेनर। इन्होंने वैक्सीनेशन को याद किया, वैक्सीन को याद किया सबसे पहले। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेनर साहब ने याद करी। वैक्सीन क्या होती है? दवाएं होती हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी इंसान की बॉडी में डाले जाते हैं ताकि उसको फ्यूचर में वो बीमारी ना हो। तो वैक्सीन को याद किया किसने? एडवर्ड जेनर ने। एक साइंटिस्ट हैं बहुत मशहूर, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन साहब ने एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जानदार कैसे दुनिया में पैदा हुए। चार्ल्स डार्विन साहब ने सबसे मशहूर किताब लिखी थी एक ओरिजिन ऑफ स्पीशी, जिसमें उन्होंने बताया था दुनिया में जानदार कैसे पैदा हुए, इवॉल्व कैसे हुए जानदार। एक साइंटिस्ट हैं, दो साइंटिस्ट हैं बेसिकली, वॉटसन एंड क्रिक। इन दोनों साइंटिस्टों ने, वॉटसन और क्रिक साहब ने मॉडल ऑफ डीएनए दिया था। डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो सारे फंक्शंस कराता है सेल के। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये किसने बताया था? वॉटसन और क्रिक ने। इसके अलावा एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स समझा जाता है। इन्होंने ये बताया था कि कैसे करेक्टरिस्टिक मदर और फादर से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आते हैं, कैसे करेक्टर्स मदर और फादर से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आते हैं। तो इन्होंने जेनेटिक्स की फाउंडेशन को ले किया था, ग्रेगोर जॉन मेंडल साहब ने जेनेटिक्स की फाउंडेशन को ले किया था। जेनेटिक्स क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। फिर दो और साइंटिस्ट हैं, स्किल्डन एंड शॉन। इन दो साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी दी थी, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, कि सेल कैसे बनते हैं, सेल की बेस पे कितनी तरह के जानदार होते हैं और सेल क्या होते हैं, इसको सेल थ्योरी कहते हैं। ये किसने दी थी? स्किल्डन और शॉन ने। आखिरी साइंटिस्ट का नाम जो मैं ले रहा हूं वो है लुइस पॉस्चर। लुइस पॉस्चर साहब जो हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को
कि वो कॉज करता है डिजीज जानदारों में. इन्होंने कहा था भाई बैक्टीरिया एक जानदार है जो बीमारी पैदा करता है इंसानों में. हाँ, एक और साइंटिस्ट भी, उनका नाम ध्यान से निकल गया था, जे डॉट लिस्टर साहब ने एंटीसेप्टिक्स के बारे में बताया था. एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं? एंटीसेप्टिक वो तमाम केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो सेप्टिक होने से बचाते हैं. सेप्टिक किसको कहते हैं बेटे? पस के पड़ जाने को, जहर के फैल जाने को. तो पस पड़ने से, जहर के फैलने से रोकने के लिए एंटीसेप्टिक देते हैं हम. जैसे पायोडीन, आपके अक्सर कभी चोट लग जाती होगी तो वहां पे जो लगाते हैं वो एंटीसेप्टिक होता है. पायोडीन, डेटॉल एंटीसेप्टिक होता है ताकि सेप्टिक ना हो. तो ये सारे के सारे वो साइंटिस्ट थे, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, जिनकी मुख्तलिफ डिस्कवरीज थी. ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट बात थी सारी.